हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त हामिद अली और आप देख रहे हैं FNC अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपने प्रिंटर का हेड चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आसानी के साथ आप कर पाएंगे और आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपके प्रिंटर में कलर प्रिंटर है या ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है, उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी एरर आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट्स करें तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए भी अलग-अलग वीडियो बनाऊंगा और आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर आज की वीडियो में आपको किसी भी जगह पर कोई मसला आता है तो आप भी मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए दोबारा वीडियो बनाऊँगा। और अगर आप मुझे व्हाट्सएप पर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना चाहें तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 03159770329। तो अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने और दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, अपने प्रिंटर को ऑफ़ कर दें। ऑफ़ करने के बाद ऊपर जो कवर है उसको खोल लेना है। खोल लेने के बाद आपसे सबसे पहले काम करना है कि उसका बिल्ड जो है वो आपने उतार लेना है, ठीक है। बिल्ड उतारने के बाद उसके ऊपर जो पट्टी लगी हुई है उसको भी उतार लेना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो इसकी स्प्रिंग लगी हुई है इसको भी आपने आराम से बैक साइड करके उतार लेना है, ठीक है। और इस साइड पर, लेफ्ट साइड पर एक पेज लगा हुआ है, इसको थोड़ा सा आपने खोल लेना है। खोल लेने के बाद इसकी जो ऊपर ये लगा हुआ है इसको बिल्कुल पीछे ले आना है, ठीक है, इस साइड से। और इसके ऊपर जो स्प्रिंग लगी हुई है इसको हटा लेना है जी, बस। और अभी एक हाथ से इसको ऊपर करना है, ठीक है, इस तरह। और इस एक हाथ से इसको यहाँ से पीछे लेकर आना है, ठीक है। और इसके ऊपर जो ये इगरारी सी लगी हुई है इसको उतार लेना है, ठीक है। और अभी इस तरह इसको कर लेना है। और यहाँ पर इसके दो लाग लगे हुए नज़र आ रहे हैं, एक और एक दो, ठीक है। ये आप जब कार्टिक लगाते हैं तो कार्टिक की जो चिप इसके साथ कनेक्ट होती है ये आपने उतार लेनी है। और यहाँ पर आपकी वायर लगी होगी, सबसे पहले आपने वो उतारनी है, ठीक है। क्योंकि मेरी यहाँ पर वायर नहीं लगी हुई यहाँ पर, तो आप इसको उतारने का आसान तरीका है ये, इसको इस तरह करें और इस कवर को पीछे ले आएँ। और यहाँ पर ये कार्टेज की जो चिप है वो लगी होगी और यहाँ पर एक चिप यहाँ पर लगी होगी, ठीक है, और एक यहाँ पर लगी होगी, ये आपने उतार लेनी है। और इस साइड पर देखें ये कवर, इसको भी यहाँ पे यहाँ से ऊपर कर लेना है और इसको भी निकाल लेना है, ठीक है। और यहाँ पर हेड की जो वायर होगी वो आ रही होंगी तो वो आपने उतार लेनी है। तो सबसे पहले आपने इस चिप को उतारना है। चिप उतारने के लिए इसकी जो वायर है वो आपने हटा लेनी है और यहाँ पर इस लॉक को प्रेस कर लेना है और ऊपर की तरफ खींच लेना है। और इसके अलावा ये जो लॉक लगा हुआ है इसको भी यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको वायर निकालना है, ठीक है। और हेड, अब हेड के लिए देखें तीन पेज लगी हुई हैं, तीनों पेजों को खोल लेना है,
ठीक है, और इसको ऊपर की तरफ ले आना है, और यहाँ पर इसकी जो वो चिप होगी वो आपने उतार लेनी है, ठीक है, इस साइड पर। और ये रहा आपका हेड, आप मार्केट से बाय कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आप खुद ही इसको घर बैठे चेंज कर सकते हैं। ये आपका रहा हेड, तो इसमें कोई इतनी मुश्किल काम है नहीं। तो अगर आप फिर भी किसी जगह पर कोई आपको मसला आया हो, अगर आप ना कर पा रहे हो, तो आप मुझे कमेंट्स करें, तो मैं आपको इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।